अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वली टीवी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के रिलेटेड। अगर इन केस आपने हमारी रिसेंट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एडसेंस अकाउंट क्रिएशन की थी। एडसेंस अकाउंट क्रिएशन किस लिए की थी वो मैंने आपको उसमें बता दिया था। अब हम उसको यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको देनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपने मोनेटाइजेशन के लिए 2022 में अप्लाई कैसे करना है और मोनेटाइजेशन ऐड अपने एड्स कैसे चलाने हैं। मोनेटाइजेशन का आपको मैं शॉर्ट इंट्रो दे दूं कि मोनेटाइजेशन बेसिकली होती क्या है और मोनेटाइजेशन यूट्यूब का, एडसेंस का ये लिंक क्या चीज़ है, इस चीज़ का मैं आपको बता दूं। देन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मोनेटाइजेशन बेसिकली ये होती है कि आप मेरी वीडियो चलाई हुई है या इसको चलाने से पहले आपके पास ऐड आया है या आपने किसी भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो चलाई हो जिसके 1K+ सब्सक्राइबर हो, तो उसका ये होता है कि उसकी वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। यूट्यूब की दो रिक्वायरमेंट हैं, 4K वॉच टाइम आपका हो जाए, आपकी वीडियो 4000 घंटे चल जाए, एंड सेकंड ये होता है कि आपके मिनिमम 1K सब्सक्राइबर हो, तो आपको गूगल एडसेंस आपकी वीडियोस पर मोनेटाइजेशन देता है, आपको ऐड देता है। जो ऐड होते हैं उसके आपको 70% आपके अकाउंट में उस चीज़ के पैसे जाते हैं। एंड एडसेंस अकाउंट क्रिएशन के दो काम होते हैं, आपको एक तो आपकी वीडियो पे मोनेटाइजेशन आ रही होती है, जो ऐड चलते हैं वो एडसेंस की तरफ से चलते हैं। दूसरी बात यह होती है कि आपकी जो पेमेंट होती है वो एडसेंस में जाती है, यूट्यूब से पहले एडसेंस में जाती है। एडसेंस में आपने बैंक लिंक किया होता है, जो बैंक लिंक करते हैं वो आपके पास आपने लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, किसी भी कंट्री में आपने लिंक किया हुआ है। अब आपने जो भी मतलब लिंक किया हुआ होगा वो आपके पास आपकी पेमेंट आपके उस अकाउंट में आ जाएगी। तो ये था मोनेटाइजेशन का इंट्रो। अब आ जाते हैं कि हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू अप्लाई फॉर यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इन 2022। तो हमने अप्लाई कैसे करना है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है, जो आपका 1K सब्सक्राइबर वाला, 4K वॉच टाइम वाला चैनल है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी ये मेरे पास एक चैनल है जिसके 1013 सब्सक्राइबर हैं और आपको मैं इसका वॉच टाइम भी दिखा देता हूँ, आप इसका वॉच टाइम देख लें। ये हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसके वॉच टाइम 4.3K मीन्स हमें 4000 घंटे रिक्वायर्ड थे, तो हमारे पास यहाँ पर 4000 से भी ऊपर हमारा वॉच टाइम हो चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर हमारे 1000 से भी ऊपर हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1K+ हैं हमारे सब्सक्राइबर। हमारा जो चैनल है मोनेटाइज होने के लिए इस काबिल है, ये मोनेटाइज हो सके। इसको हमने एडसेंस के साथ लिंक कैसे करना है, तो हमारा ये आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हर YT स्टूडियो में अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो मैं एक स्टेप आगे आ चुका हूँ, आपने इससे पहले एक आपके पास ऑप्शन आएगा कि 1K वॉच टाइम और आपके सब्सक्राइबर 4K सब्सक्राइबर जो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होती हैं, उसके नीचे एक बटन होता है अप्लाई नाउ का। जैसे वो अप्लाई नाउ करेंगे तो आप इस थ्री स्टेप वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा, आपने यहाँ पर एक यहाँ पर स्टार्ट का बटन होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ये बटन है यहाँ पर, इसी तरह का यहाँ पे एक बटन होता है, आपने उसको क्लिक करना है एंड डन करना है। तो आपका चैनल रिव्यू करता है यूट्यूब इस काबिल है कि मोनेटाइज हो सके, ठीक है। आपकी वीडियोज़ वगैरह चेक होती हैं, वो मैनुअली यूट्यूब चेक करता है। तो वो ये देखिए मेरा डन हो चुका है, यहाँ पर डन आ गया। अब यहाँ पर साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, अब यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने जा रहा था, जो हमारा मकसद था, बेसिकली स्टार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है जिसको आपने अगर समझ लिया एडसेंस, क्योंकि इसके थ्रू आपके एड्स चलने हैं। इनकेस इनमें आप कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी वीडियो पर एड्स नहीं चलेंगे, एड नहीं चलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, सिंपल एज दैट। तो यस आई एम एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो आपके पास अगर आपने हमारी वीडियो देखी है वो रिसेंट, उसमें हमने एडसेंस अकाउंट क्रिएशन की थी, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है,
अभी आप यहाँ से बना भी सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। विदाउट उसके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि आपकी पेमेंट उसके थ्रू ही आती है, तो लिहाजा वो आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है, आप बनाएं या जब भी बनाएं। तो अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एड्स, लेकिन उसके बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेमेंट लेनी है। तो अब हम आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। मैंने आपको रिसेंट वीडियो में दिखाया था कि मैंने अकाउंट बनाया था मिस्टर वली की आईडी से। तो मैं आ चुका हूँ अपने अकाउंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सारी, ये देख सकते हैं आप, एडसेंस की, पब्लिशर आईडी की, कंट्री और उसके बाद टाइम जोन पाकिस्तान, एड्रेस वगैरह जो भी है, पेमेंट करेंसी, ठीक है, एक्सेप्ट एसोसिएशन। आपके चैनल का यहाँ पर लिंक आ गया है, ये ऑलरेडी इसने फेच किया हुआ है। तो ये है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो ये है, आपने अपना अकाउंट देना है, अपना यहाँ पर नेम देना है, एड्रेस देना है, अपना पोस्टल कोड देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। आपका चैनल इस चीज़ में चला जाएगा, मतलब ये आप देख रहे थे यहाँ पर आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप, ये आपको एक 7 दिन का टाइम दे देते हैं, 7 दिन से भी पहले आपका चैनल रिव्यू हो जाता है, उसके बाद आपकी चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। आपको YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम का एक ईमेल आता है, जिस ईमेल पे आपका चैनल बना हुआ होता है, उस ईमेल पे आपको मेल आएगी, आपने उसको चेक करना है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है यूट्यूब मोनेटाइजेशन 2022 में, हमने अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।